कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं आपका अपना परितोष कुमार, परितोष सर केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ होंगे, अच्छे से घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि कौन पकड़ सकता है आपको? कोरोना। अब देखिए ध्यान से, आज मैं आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 क्लास के स्टूडेंट्स, 11 क्लास के स्टूडेंट्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम। तो सबसे पहले मैं एटम का फैक्ट बताऊंगा, और फिर फैक्ट बताते बताते जो होता है, फिर मैं उसके अंदर डिस्कवरी में सबका घुसूंगा बारी बारी से, ठीक है? तो डिटेल से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों। सबसे पहले एटम के बारे में जिसने कॉन्सेप्ट दिया था वो वैज्ञानिक नहीं था, आप वैज्ञानिक था और कौन था? तो वो महान दार्शनिक थे, इंडिया के महान दार्शनिक थे, जिनका नाम था कनाद। और कनाद का कहना था परमाणु के बारे में कि जिस प्रकार से हमारा शरीर कुछ कणों से मिलकर बना होता है, उस प्रकार से परमाणु भी कुछ कण से मिलकर बना होता है। तो कण कौन-कौन होते हैं वो आप जानते भी होंगे। हमारा शरीर 5 तरह से मिलकर बना होता है, क्षिति, जल, पावर, गगन, समीर, ठीक है? तो एटम के बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिस वैज्ञानिक ने दिया था वो था जॉन डाल्टन, 1801 से 1803 में, यानी 1801 से 1803 में, ठीक है? तो उसने बोला था क्या कि एटम का स्पेलिंग देखिए क्या होता है। पहले बोलिएगा स्पेलिंग में, तो स्पेलिंग में इसका मतलब छुपा हुआ है डाल्टन का कॉन्सेप्ट। देखिए, ए का मतलब होता है नॉट, देख लीजिएगा स्पेलिंग सही है ना। टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, यानी एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को कट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो माइक्रो पार्टिकल था, स्मॉल पार्टिकल था, स्मॉल को स्मॉल करें तो पता चलेगा और पता नहीं चलेगा, ठीक है? जो छोटा है उसको और छोटा कीजिए तो पता चलेगा, तो खत्म हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को, इनको जो डाल्टन ने जो बोला था, इस सिद्धांत को फेल किया गया। और फिर आए थॉमसन, जे थॉमसन, वो आए, उन्होंने बोला क्या कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एटम का एक अपना शेप होता है। देखिए अभी तो कोई शेप ही बात नहीं चल रहा था, अब देखिए एटम का शेप तो कैसा होता है। एटम तो एटम गोलाकार गेंद की तरह होता है, जैसा गेंद वैसा एटम, और बीच में जब कहीं भी पॉइंट डालते हैं वो सेंटर कहलाता है, केंद्र, ठीक है? तो एटम का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने इसका इन्वेंशन किया, ठीक है? इसके बारे में हल्का सा मैं बताता हूं कि रदरफोर्ड ने नाभिक का आविष्कार करने के लिए अल्फा किरण का यूज किया था, और अल्फा किरण से सोना का पतला पत्र, यानी थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है? अब बोलिएगा सबसे पतला तो कागज होता है, तो कागज से पतला होता है, यस, गोल्ड का पत्र, ठीक है? पतला थिन से, अब बोलिए कितना पतला था, तो इसका थिकनेस होता है 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर, 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर, ये इसका थिकनेस होता है, इतना पतला होता है ये, ठीक है? और थिन गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट करवा के जो होता है ना, न्यूक्लियस का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है? पूरी कहानी में बताऊंगा आपको, ठीक है? अब देखिए, उसके बाद थॉमसन का कहना था कि जिस प्रकार से एक तरबूज के अंदर 20 समय होता है, ठीक है, उस प्रकार से एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो समाया हुआ होता है अंदर में, ठीक है, एम्बेडेड होता है रैंडमली। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो निगेटिव होता है, यानी अंदर में माइनस, बाहर में क्या होता है प्लस। तो माइनस वाला जो प्लस और कैंसिल करेगा वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए बोला जाता है कि एटम जो होता है, परमाणु वैद्युतीय रूप से, यानी इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होता है, वो उदासीन होता है, मतलब उसको कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, कुछ दिन के बाद प्रूफ हुआ कि परमाणु 3 मॉलिकल से मिलकर बने होते हैं। 3 मॉलिकल कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव
और परमाणु का ऐसा मॉलिकन, ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो कौन होता है? न्यूट्रॉन। तो परमाणु के मूल मौलिक कणों की संख्या, फंडामेंटल पार्टिकल जिनसे एटम मिलकर बना हुआ है, तीन ही होता है, ठीक है? और यही तीन का नाम जानते होंगे आप। लेकिन इसके अलावा 31 ऐसे अमौलिक नॉन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो दिखाई नहीं देता है। शायद कुछ का नाम सुना होगा आपने, न्यूट्रिनो, मेसॉन प्लस, मेसॉन माइनस, पॉजिट्रॉन, ठीक है? ये सारे ऐसे ऐसे 31 अमौलिक नॉन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो दिखाई नहीं देता है, इस आंख से नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है? अब देखिए यहां पर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर में होता है कहां पर? तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसी न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, ठीक है? तो अभी हम लोग बताया कि इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस, जिस पर माइनस वाला प्लस पर कैंसिल करेगा वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। जिस वाला आता है कि एटम परमाणु, परमाणु बैद्युत क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है? अब देखिए, लेकिन बैद्युतीय रूप से इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो कितना माइनस चार्ज होगा, कितना प्लस चार्ज होगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो लेकिन ऐसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है नाभिक में, इसको न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है। पूछेगा से परमाणु कितने मॉलिक्यूल से मिलके बनता है? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियॉन कितने कण से मिलके बनता है? दो कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से, चारों चक्कर कौन लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब बोलिएगा इलेक्ट्रॉन किसके चारों? तो बोलिएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन चारों, कभी नहीं बोलिएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। बहुत सी कक्षाएं जो होती है जिसको सेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉन? चक्कर लगाते रहता है, ठीक है? जिसमें आप जानते होंगे इसको अल्फाबेटिकल लेटर्स, अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 अक्षर में से कोई भी अक्षर से उसको डिनोट कर सकते हैं। सुना भी होगा आपने K11। और ऑर्बिट यानी कक्षा का जो सब ब्रांच होता है, वो कक्षा जो होता है वो चार होता है, SPDF, यानी कक्षा का ही सब ब्रांच सब ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है? कक्षा बहुत सारा हो सकता है लेकिन उपकक्षा चार ही होता है, SPDF। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक लेटर्स जो होता है, इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है, ठीक है, लैटिन लेटर्स होता है जिससे इसको बोला जाता है। एस का फुल फॉर्म होता है सार, पी का होता है प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एंड एफ होता है फंडामेंटल। अब देखिए यहां पर ये नाभिक हो गया, तो ये नाभिक इतना जो जगह में रहता है जिसका अपना साइज है, जैसे कि आपका साइज होता है वैसे इसका साइज होता है। तो नाभिक का साइज होता है कितना? 10^-15 मीटर, ये इसका आकार होता है, ठीक है? और सेंटीमीटर कितना जगह? 10^-13 सेंटीमीटर। और जो जितना जगह में रहता है वो उसका आयतन कहलाता है वॉल्यूम, ठीक है? तो नाभिक इतना ही जगह में रहता है, ये इसका वॉल्यूम होता है कितना? 10^-39 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है? अब देखिए एक टर्म है जिसका नाम है परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर